हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। तो इस वीडियो में होने वाला है, इस चिलर से रिलेटेड जितना पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। कुछ एडिशनल पार्ट इसमें लगे हुए हैं जो कि इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 400 TR अराउंड का चिलर है और इसमें दो सर्किट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो सर्किट हैं। तो इसमें जो कंडेंसर आप नीचे देख पा रहे हैं, ये सामने, इनको कंबाइन करके लगाया गया है, बट इसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो अलग अलग स्टे करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चिलर के बारे में, उसके बाद जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सेंसर्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सामने की तरफ ये पैनल है जहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ये सिंपल सी डिस्प्ले मैंने आपको बता रही में, और इसके पैरामीटर्स भी दिखा रखे हैं। यहाँ पर इसका जितना भी इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो है। उसके बाद थोड़ा सा इसकी डाटा प्लेट देखें, ये ब्लू स्टार का चिलर है। तो सामने की तरफ आप देखेंगे तो इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो है 1389 किलोवाट, यानी कि एक अप्रॉक्स 394 टन का है, करीबन 400 TR का। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर है, कंप्रेसर का सीरियल नंबर, रेफ्रिजरेंट इसमें R134A है, और जो चार्ज की क्वांटिटी वो है 600 kg, यानी कि एक सर्किट के अंदर, यानी कि एक सर्किट में आपको 300 kg की करीबन गैस डालनी होती है, और दो सर्किट का मिला के आपका 600 kg के अराउंड चार्ज होती है गैस इसमें। और जो ऑयल चार्ज होता है वो 80 लीटर के करीबन है। रेटेड करंट, मैक्सिमम करंट और यहाँ पर रेटेड पावर इनपुट सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर तीन आपको चिलर देखने को मिल जाएंगे, एक ये है, दो और तीन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इनकी वाटर लाइन है उसके बारे में। तो आपको पता है कंडेंसर से और इवेपोरेटर से वाटर लाइन कनेक्ट होती है, और एक में आपका कोल्ड और एक में आपका गर्म पानी चलता है। तो सबसे पहले ये आप जो देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ये कंडेंसर है जिसकी डीस्केलिंग होनी है, और इन दो कंडेंसर की डिस्केलिंग हो भी चुकी है। मैं अभी आपको तीसरा कंडेंसर दिखाऊंगा जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये खुला हुआ है, यहाँ पर अभी दिखाऊंगा मैं आपको ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये इसका आपका, ये इसका फ्रंट का कवर है जहाँ पर से आपकी फ्लैंज कनेक्ट है, ये आपकी फ्लैंज है, ये वाला पोर्शन ये, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर टैग लगा हुआ है वाटर आउट और नीचे का वाटर इन, यानी कि पानी जो है नीचे की तरफ से इंटर करता है ये वाली लाइन से। उसी के साथ जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाटर आउट, ये यहाँ से पानी जाएगा आपका, जितना भी पानी है यहाँ से आपका बाहर निकलता है। तो इससे रिलेटेड जितना पार्ट है वो समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको क्लोज स्विच देखने को मिल जाता है, ये बिलो है, यानी कि वाइब्रेशन को रजिस्ट करने के लिए, यानी कि जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है लाइन्स में उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है अगर आप ऊपर देखेंगे, और जब लाइन में एयर आ जाए या जो पानी अनबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से लाइन काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है, उसको रोकने के लिए और उस वाइब्रेशन का इफेक्ट इन आगे वाले पार्ट्स में ना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये बेलो लगा रखे। यहाँ पर भी है, नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगी, उधर आप देख पाएंगे इवेपोरेटर वाली लाइन पर भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर का सेंसर देखने को मिल जाता है, बैलेंसिंग वाल्व, कितनी क्वान्टिटी में पर मिनट कितनी क्वांटिटी पानी बाहर निकलेगा, एक फिक्स क्वांटिटी में पानी जाएगा इससे। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं, ये मोटराइज वाल है जो कि BMS से भी कनेक्ट हो सकता है, आप इसको BMS से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना पार्ट आपने एक लाइन में देख लिया है, और आपको कभी अगर टैग ना लगा हो या कलर कोडिंग का आपको ना पता लग पा रहा हो तो आप इस तरीके से आउट का पता लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले फ्लो स्विच लगा रहता है उसमें आउट वाली में, और सेकेंड ये बैलेंसिंग वाल, ठीक है। अब बात कर लें नीचे इन में भी आपको एक बेलो देखने को मिल जाता है, एक प्रेशर गेज है सामने अगर आप देख पा रहे हो, इसमें एक व्हील वाला आपका ऑपरेटिंग वाल्व है। तो ये आपकी इन की है और ऊपर वाली आउट, और ये रहा आपका कंडेंसर। कंडेंसर की बात करें, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कंबाइंड है, इसमें दो सर्किट हैं, यहाँ से वहाँ तक का एक कंडेंसर का सर्किट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सर्किट है, ऊपर इसका एक अलग से ऑयल सेपरेटर है, उधर अलग से कंप्रेसर है। तो ये वाला पोर्शन अगर आप इधर से देखेंगे, इधर को एक सर्किट और यहाँ से इधर को एक सर्किट है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑयल सेपरेटर यहाँ भी अलग है, पीछे की तरफ कंप्रेसर है। सारा कुछ दिखाने वाला हूँ एक करके, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा एक कंडेंसर है, 300 kg करीबन एक सर्किट में आपकी गैस स्टे करती है, 300 kg के करीबन एक सर्किट में आपकी गैस स्टे करती है, 400 TR के अराउंड ये आपका पूरा टोटल चिलर बन जाता है। उसके बाद एक PHE सिस्टम लगा हुआ है, ये आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है जिसमें कोल्ड और हॉट दोनों ही फ्लूड या जो रेफ्रिजरेंट है वो रन करता है और आपस में अपनी हीट को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर एक ये देख पा रही होंगी, यहाँ पर आपकी कंडेंसर लाइन है,
ये कंडेंसर लाइन से कनेक्ट है, यहाँ से होता हुआ ये प्लेट टाइप ही हीट एक्सचेंजर सिस्टम में जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्रेसर से कनेक्ट है, ये भी यहाँ पर जाएगा। इसमें चार लाइन कनेक्ट होती हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यही लाइन से एक लाइन और निकल रही है यहाँ से, जिसमें आपको एक सेनेलॉइड वॉल भी दिख जाएगा। ये सेनेलॉइड वॉल है, उसके नीचे एक एक्सपेंशन वाल्व है प्रेशर ड्रॉप टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि इस लाइन से जो भी रेफ्रिजरेंट निकलेगा और यहाँ से जो इस सेकेंड वाली से जो निकलेगा उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी हीट एक्सचेंज हो पाएगी। यहाँ से जो हॉट गैस निकलेगी उससे कम टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए इस वाली लाइन में, इसलिए यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप करना, ठीक है। और ये वाली लाइन आपकी इवेपोरेटर से कनेक्ट है, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा जो आगे जा रही है, और ये आपकी कंप्रेसर से। तो इसमें आपको ब्रेस्ड नॉन ब्रेस्ड बहुत सारे मॉडल देखने को मिल जाते हैं, इस पर मैंने एक एनिमेशन वीडियो भी डाला हुआ है, वो भी जाके देख लीजिएगा आप। इसमें प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में फ्लूड रन करते हैं। चलिए और दिखा देता हूँ मैं, ये एंगल वाल्व होते हैं जहाँ से आप रिकवरी या टॉप अप कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट का, और ये इसका इंड कवर है, ये इंड कवर है, वो फ्रंट साइड का था जहाँ पर लाइन कनेक्ट हो रही थी। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक ऑयल सेपरेटर देखने को मिलता है, अगर आप देख पाएं, ये ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ऑयल को सेपरेट करता है। जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट आती है उसके साथ ऑयल भी आ जाता है। अगर वो ऑयल पूरी तरीके से कंप्रेसर से बाहर हो जाएगा तो उसके अंदर जो मूविंग पार्ट होते हैं कंप्रेसर के अंदर, उनको डैमेज होने का या उनका वियर एंड टियर होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए इसी सेपरेटर में ऑयल को अलग कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेंट को आगे कंडेंसर में भेज दिया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, एक कनेक्शन यहाँ से होता हुआ आपका कंडेंसर पे कनेक्ट है। उसी के साथ अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये वाला आपका वापस से जाएगा कंप्रेसर की तरफ। यहाँ पर एक कनेक्ट है, ये अगर आप देख पाएँ, ये डिस्चार्ज साइड है, कंप्रेसर आपका सामने है, ये डिस्चार्ज साइड, यहाँ से इंटर करेगी गैस, गैस यहाँ ऑयल अलग हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट अलग हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट होता हुआ यहाँ से निकलेगा कंडेंसर में। तो यहाँ पर आपने ये भी देख लिया है, कंडेंसर दिखा दिया मैंने आपको, ये ऑयल सेपरेटर है, और यहाँ पर इसके हीटर लगे हुए हैं। आपको बताया ऑयल को गर्म रखना होता है, ये अगर आप देख पाएँ यहाँ पर एंगल वाल इस पर भी लगा हुआ है, एक यहाँ ऊपर लगा हुआ है, और एक नीचे की तरफ भी होगा जहाँ से आप ड्रेन कर सकते हैं। ये वाला पोर्ट है एक डेड नट वाला, ये यहाँ से आप उसको ड्रेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर रिलीफ वाल है, अगर इसमें इसके ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रेशर को रिलीज कर देगा, जिससे कि कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब्स हैं वो फटे ना। यहाँ पर साइड ग्लास भी देख सकते हैं जहाँ से आप ऑयल को देख सकते हैं, यहाँ पर से ये साइड ग्लास लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक सर्किट ये है, एक ये है, तो इसका अलग से आपको ऑयल सेपरेटर देखने को मिलता है, एक इसका देखने को मिल जाता है। यहाँ मैंने आपको बता दिया इसका पीएचई सिस्टम ये है, इधर एक अलग से लगा हुआ है पीएचई सिस्टम। चलिए आगे की तरफ से भी देख लेते हैं, एंगल वाला आपको देख लिया है, यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट को, रिकवरी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे की तरफ अब मैं दिखाऊँ आपको, तो ये है आपका कंप्रेसर, ये है आपका ऑयल सेपरेटर, कंप्रेसर से डिस्चार्ज होके यहाँ जाता है, ऑयल सेपरेटर से होता हुआ कंडेंसर में जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर कुछ सेंसर भी हैं, ये आपका टेम्परेचर का है, ऊपर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, अगर आप देख पाओगे वो प्रेशर का है, जैसे कि प्रेशर को सेंस कर पाए, और यहाँ टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगा हुआ है, और ये है आपका ऊपर कंप्रेसर, आपका स्क्रू कंप्रेसर। सामने इसका पैनल है जहाँ पर इसकी सप्लाई है, मेन सप्लाई जो कि इस पैनल से आ रही है, मैंने अभी आपको पैनल दिखाया था। नीचे की तरफ ऑयल पंप है आपका, और ये आपकी डिस्चार्ज साइड है, वो आपकी सक्शन साइड है। सक्शन साइड पे हमेशा आपको इस तरीके की क्या कवरिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आप सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड को आसानी से पहचान सकते हैं। ये आपका इवेपोरेटर वाला साइड है, वहाँ पर भी एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ये सेंसर वाली लाइन है या वायर है, सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये है इसका फ्रंट साइड। तो ये जो लाइन है ये आपकी पीएचई सिस्टम से आ रही थी, मैंने आपको दिखाया था जो पीएचई सिस्टम है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, उससे यहाँ पर आ रहा है। ये मफलर है डिस्चार्ज साइड का जो कि यहाँ कंप्रेसर से कनेक्ट है। यहाँ पर ऊपर सेनेलॉइड वॉल्स लगे हुए हैं जिससे कि रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कंट्रोल कर पाएँ। और ये है आपका इवेपोरेटर उस साइड पर, अगर आप देख पाएँ तो इस इवेपोरेटर में भी सेम आपको इस तरीके के फ्लो स्विच, टेम्परेचर मीटर, आपका बैलेंसिंग वाल्व, एक्चुएटर वाल्व और गेजेस भी हैं। ये आप सामने देख पाएंगे, गेज भी लगी हुई है
सेम जैसे कि आपका कंडेंसर में था वैसे सेम यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ये भी गेज है, प्रेशर गेज है, और यहाँ पर आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं टेम्परेचर प्रेशर के लिए। ये रहा एक सेंसर, ये एक सेंसर है आपका, और ये फ्लो स्विच है। को यहाँ पर भी आप देख पाएंगे प्रेशर के लिए, और जो वो ऑयल वाला सिस्टम था वो आप ये देख पाएंगे यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो लाइन निकली हुई ये देखिए ऑयल का, वो आगे जा रहा है सेम यहाँ की तरफ, और यहाँ से होते हुए वो इस फिल्टर से होते हुए, ये फिल्टर है ऑयल को फिल्टर करने के लिए, यहाँ से होते हुए वापस आएगा आपके, यहाँ से होते हुए ये लाइन आई है, सेनेलॉइड वॉल है ऊपर की तरफ। मैं दिखा देता हूँ ऊपर से ये वाली लाइन वापस, साइड ग्लास लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है उसके साथ, आपका सीधे कंप्रेसर से कनेक्ट है। कंप्रेसर में डायरेक्ट चले जाएगा वापस से वो ऑयल, क्योंकि कंप्रेसर के लिए ही ऑयल का यूज़ किया जाता है। अगर कंप्रेसर से सारा ऑयल बाहर निकल जाएगा तो कंप्रेसर के अंदर जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और इस तरफ ये पंप वाला सेक्शन है जहाँ पर आपको कंडेंसर पंप, यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी पंप देखने को मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियो डाली है मैंने, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा इनके बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि प्राइमरी पंप क्या होता है, सेकेंडरी पंप क्या होता है। और यहाँ पर ये आपके प्राइमरी पंप है और ये सेकेंडरी पंप आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, स्ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच में लगा है। जो भी गंदगी है वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है आसानी से। तो ये पूरा पार्ट है, ऊपर की तरफ तीन चिलर लगे हुए हैं, 400 TR का एक चिलर है। तो और ये सेकेंडरी प्राइमरी, और उधर की तरफ जो ग्रीन कलर से कोटेड है, पेंटेड है सॉरी, वो आपके कंडेंसर के पंप है। यहाँ पर भी आपको देखो बेलो देखने को मिल जाती है, वाइब्रेशन रजिस्टर, ये सब में देखने को मिलेगी जो वाइब्रेशन को कम करेगी। क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट में आपको पता है वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं ना उनका जो अलाइनमेंट है वो आउट हो जाती है। अलाइनमेंट आउट होगी उनके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक और स्ट्रेनर है, हर कंडेंसर पर स्ट्रेनर लगा हुआ है सामने, अगर आप देख पाएँ, बेलो है, और ये व्हील वाल आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भी स्ट्रेनर लगे हुए हैं सारे पार्ट्स में, ये सारे स्ट्रेनर्स हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा, ये कूलिंग टावर से जो कनेक्ट है ये वाला कनेक्ट है, बाहर की तरफ से जो लाइन आ रही होगी वो इससे कनेक्ट है आपकी। अगर आप सामने देखो ये बाहर से आने वाली लाइन है, बाहर से आएगी, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पानी आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा कंडेंसर पंप में और फिर कंडेंसर के अंदर पहुँचेगा। तो कुछ इस तरीका ये पार्ट है, और ये सप्लाई के लिए यहाँ पर फीडर दिया गया है, फीडर लोकेशन टेरेस। एक ये है सामने की तरफ, तो यहाँ पर सबको अलग अलग सप्लाई दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और जिस पे काम चल रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो वाला पोर्शन जहाँ पर काम चल रहा है, ये ओपन है, एक पार्ट लग चुका है इसका, कंप्लीट हो चुकी है तीनों में डीस्केलिंग। और ये बेलो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, ये रबर का है और बहुत हार्ड रबर का है, ये आप देख पा रहे होंगे हार्ड रबर का है, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। यहाँ पर इस तरफ से ये वाली फ्लैंज आएगी, ये जो आपको दिख रही है ये पाइप का जो फ्लैंज है यहाँ से कनेक्ट होगी, उसके बाद इस तरीके से इसको अटका देंगे। नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है सेम। फायर अलार्म पैनल अंदर की तरफ अगर आपको दिखाऊं, ये हैं ट्यूब्स जिनको साफ कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक डिवाइडर देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे का पार्ट अलग है ऊपर का अलग है। ये डिस्चार्ज मफलर है, इससे पहले एक मैंने शॉर्ट्स में आपको डिस्चार्ज मफलर दिखाया था, वो 6 inches का था, ये यहाँ पर 1/8 का है, जो कि आपका ये PHE सिस्टम से कनेक्ट है। मैंने कहा था ना इसमें चार लाइन कनेक्ट हैं, एक कंप्रेसर, कंडेंसर, नीचे ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा आपका सीधे आगे की तरफ, ये आगे जाएगा, और आपका सामने देख रहे होंगे आप वो सामने कनेक्ट है। आगे से दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सीधा होता हुआ इवेपोरेटर के अंदर, साइड ग्लास लगा हुआ है इवेपोरेटर पे, देख पा रहे हो सामने भी है एक, यहाँ पर भी है एक।
और ये इसकी सक्शन लाइन आपकी इवेपोरेटर से कनेक्ट है। अगर नीचे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने की तरफ यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर है ये इवेपोरेटर के साथ कनेक्ट है सक्शन लाइन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको कुछ नया से देखने को और सीखने को मिला होगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।